हेलो फ्रेंड, मैं मंजय सिद्दीकी की mashingroup.com की तरफ से। तो फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर के अंदर अपना बात। तो सबसे पहले हम अपने रेफरेंस को जो है वो इम्पोर्ट कराते हैं। तो हम फ्रेंड इसमें शिफ्ट ए से राइट क्लिक करके भी करा सकते हैं, जो हमारे लिए मिलता है ऑप्शन रेफरेंस का, इमेज के अंदर रेफरेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे लिए फ्रेंड जो है फ्रंट की इमेज है, तो हमें यहाँ फ्रंट लेनी होगी। ये हमारे पास फ्रंट है, ये हमारा साइड है, तो फिर रिप्लेस करते हैं और इमेज को लेते हैं फिर से शिफ्ट ए एंड रेफरेंस के अंदर जाके। तो ये हमारी साइड इमेज, ठीक है। तो ये दो इमेजेस होगी हमारे पास। हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी आप देख रहे होगे कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो उनको सेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक इमेज प्लेन लेना है, उसको सिलेक्ट करके स्केल करना है। फिर इसको यहाँ पर वायर फ्रेम में लेना है, जिससे कि वो हमें शो अप होता रहे यहाँ पर भी वायर फ्रेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हमारी इमेजेस हैं, इन इमेजेस को मूव कराना है ऊपर के लिए जी जेड एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं टी एंड मूव। फिर हमने इसको लिया इस तरीके से, तो अभी आप देख रहे होगा कि हमारी जो साइड की इमेज है वो क्या है, कहाँ है। तो हमें इसको नीचे लाना होगा इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने इसको डुप्लीकेट निकाली, सेपरेटली डुप्लीकेट एंड मूव। तो आप देख रहे होगा जो हमारी इमेज है, तो हमें इसी से ही सेट करना है। तो इसको यहाँ पर इसको पकड़ो एंड हम इसे क्या करते हैं, स्केल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको, इसका कलेक्शन जो है हमारे पास इन दोनों इमेजेस का, यहाँ पर कलेक्शन बनाते हैं न्यू कलेक्शन के नाम से। तो ये हमारा है इमेज। ठीक है, इमेज और सिक यहाँ पर जो है इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक इमेज हो गई। अब हमें करना है, अगर हम चाहें तो इनको यहाँ से, ये हमारे पास आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट का एंड डिसलेक्ट का, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ से इस वो कलेक्शन को इसके अंदर डाला और यहाँ से अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारी इमेज सिलेक्ट नहीं होगी। ओके, एंड आगे चलते हैं हम फ्रेंड। उसके बाद अभी आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में साइड व्यू में अगर इसको मूव करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो है वो मेरी इमेज यहाँ पर शो ना हो, तो उसके लिए हम यहाँ आऊँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वन प्रेस करूँगा तभी वो शो होगी, यहाँ पर थ्री प्रेस करूँगा तब शो होगी। तो मैं इसको भी इस तरीके से कर लेता हूँ, सिलेक्ट हमारी सेकेंड इमेज परफेक्ट। यहाँ पर हम नाम चेंज कर लेते हैं, ये हमारी इमेज जो है वो है फ्रंट इमेज। और ये जो है हमारे पास, ये हमारी साइड इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इमेजेस हो गई। हम जब फ्रंट प्रेस करेंगे तो फ्रंट आएगा, हमारा साइड प्रेस करेंगे तो साइड आएगा। कोई उसके बाद हमें करना है जो है फिर दोबारा से अपनी सेटिंग के अंदर आना, उसके बाद अपनी मॉडलिंग का पार्ट जो है स्टेप जो वो स्टार्ट करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एंड इसको पहले थोड़ी कुछ देर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट एंड इसको। ठीक है, इस तरीके से मैच करा लेते हैं, जिससे कि हम अपने इसको जो है मिरर करें तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, एंड हमने यहाँ पर इसको मूव कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडलिंग का पार्ट। तो सबसे पहले फ्रेंड हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल ले लिया। सर्कल के जो है हमारे पास डिवीज़न है, हम उन डिवीजन्स को कम कर लेते हैं थोड़ा सा, शिफ्ट इमेज यहाँ पर ऐड और यहाँ 32 या 12 कर दो एंड इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर इसको वाई एक्सिस में, नहीं सॉरी एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सर्कल। आप जिस साइड से जाओ उस साइड से आप मॉडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने क्या करा, इसको स्केल किया, ये
स्केल करने के बाद मैंने और स्केल किया फ्रेंड और इसको यहाँ मूव कराया। ठीक है, अब हमें एक करना जो है हमने मूव करा लिया एडिट मोड में फ्रेंड, दोबारा आए और इसको जो है वो एडजस्ट किया यहाँ पर। तो हम यहाँ मूव टूल का यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमें एक ईजी वे मिल जाए। उसके बाद इस तरीके से इसको इस तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड हम यहाँ आते हैं सेट से और इसको ऊपर वाले को दोनों को पकड़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से और इसको चलाओ। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने अपना मॉडलिंग का पार्ट स्टार्ट कर दिया। बेसिकली फ्रेंड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने फेस हो रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो मैं जहाँ तक है तो मैं आपका जो है अपना सजेशन, अपना जो सोल्यूशन है वो दूंगा। तो हमने सेलेक्ट किया अपने पार्ट के लिए एंड इसको मूव कराया। तो अभी आप देख रहे हैं वायर फ्रेम में नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो हमने ए प्रेस किया एंड मूव। ठीक, तो यहाँ ले आया, इसको लिया एंड इसको यहीं से फ्रेंड मूव कराया। तो ये है, उसके बाद हमें इन दोनों को पकड़ना है। तो यहाँ से हमने इसको भी इसी तरीके से मूव कराया, फिर ये सिलेक्ट किया एंड इसको थोड़ा नीचे वाले को अंदर, फिर ये जो वाला भी हमारे पास इसको थोड़ा, फिर सिलेक्ट। तो हम यहाँ आते हैं फ्रेंड और अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेट करते हैं। थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है, नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बाहर आ रहा है इस तरीके से। कूल, अब फ्रेंड हमें यह करना है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर मॉडिफायर के अंदर आना है। मॉडिफायर के अंदर सॉलिड डी वाई जो हमारा सब डिवीज़न होता है, सब डिवीज़न सरफेस, इसको अप्लाई करो। ठीक है, एडिट मोड में आप देखोगे तो ये होगा। तो हमें करना है सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है जैसे कि हमें अपना मॉडल जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्मूथ दिखाई दे। तो ये हो गया, अब आप देखोगे तो एक सही भी आ रहा है। हमने इसको सिलेक्ट किया थोड़ा सा, इसको रिमूव करें। ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा इतना पार्ट हो गया। हमने क्या करा, फिर सिलेक्ट किया एल एंड ई एक्स टूल एंड स्केल। ठीक, तो यहाँ आए। अभी आपको एक प्रॉब्लम फेस और हो रही है, आप देखते होंगे कि मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इसकी अगर चाहिए तो आप कम कर सकते हो। तो आप यहाँ से आइए एंड यहाँ पर अपनी इमेज के अंदर, इमेज के अंदर आपको जो है ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन जो है मिलेगा। आप यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है इसको कम कर लीजिए। ठीक, तभी मैंने साइड व्यू की इमेज पकड़ी है तो मेरी साइड व्यू भी हो रही है। इसी तरीके से हमें फ्रंट व्यू को पकड़ना है, यानी इसके ट्रांसपेरेंसी को ऑन करना है, इसको भी इसी तरीके से कम कर, जिससे कि हम एक अपना ऑब्जेक्ट बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मॉडल बनाने में जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर हमने सेलेक्ट किया फ्रेंड, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सेट कराया। सिलेक्ट इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो सेट भी में आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल आर सिलेक्ट सर्कल। तो यहाँ देखते हैं हम हमारा पार्ट को, इसको राइट क्लिक करके स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है कुल मिला के भी। फिर हम इसको थोड़ा सा इसको नीचे कराते हैं, फिर साइड व्यू और जो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट, इसको हम नीचे कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा आगे
इसी तरीके से फिर ये वाला जो पार्ट है ये अंदर जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है कूल। उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड अलग करते हैं इसको, और इसके जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ई एंड एस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। फिर इसे हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा इसको स्केल करते हैं, थोड़ा सा इसको अंदर एंड इसके फिर ओके एंड उसके बाद फ्रेंड हम क्या करते हैं जो है हमें इसका जो है पार्ट नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट इसका ब्रिज एंड एक्सटूर एंड इस तरीके से थोड़ा सा इसको यही पे फिर एंड थ्री और यहाँ एस 0 सॉरी ये हमारा जो पार्ट है एक्स एक्सिस का है, तो यहाँ हम देखते हैं एक्स एक्सिस एस एक्स 0 ठीक है। फिर एक एक्स टू और इसको यहाँ लाए, ठीक है, राइट क्लिक पहले शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्टेड, फिर राइट क्लिक सेट टू ओरिजिन टू, ठीक है, थ्री डी कर्सर, तो ये हमारा एक यहाँ पर आ गया हमने करा। फिर इस पर एक मॉडिफायर डालते हैं अपना जो कि होता है हमारा मिरर मॉडिफायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर आके इसको क्लिपिंग ऑन कर लेते हैं और एक बार वर्टेक्स मोड में, ठीक है कूल। अब क्या करना है मैं फ्रेंड जो हमारे पास पार्ट है ये वाला एज का ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करूँ एंड मूव, ये वाला एज है मूव हो गया। उसके बाद हमें करना है कि जो रेफरेंस है हमें थोड़ा सा इजी वाला, ठीक है, तो हमें सेलेक्ट करना है फिर से दोबारा से टी एंड एस मूव, जो थोड़ा बाहर आ रहा है बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से इसको ठीक है। अभी दिक्कत हो रही है क्लिपिंग की, तो क्लिपिंग ऑफ कर देते हैं हम और यहाँ से इसको थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ओके एंड इसको थोड़ा सा नीचे क्लिपिंग ऑन, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा बेसिक जो पार्ट है वो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हम आगे पार्ट का स्टार्ट जो है हमारा करेंगे मनोज का करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।